गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपको 13.6 के सवाल बताए गए थे, जिसमें से हमने एक सवाल लगा दिया था और दो सवाल आपको समझा दिए गए थे। और इसके बाद 13.7 के प्रश्न नंबर 1 और 2 बता दिए गए थे। आज हम आपको प्रश्न नंबर 3 बताएंगे। तो प्रश्न नंबर 3 है, हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 13.7 का प्रश्न नंबर 3 है। एक संघ की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जबकि पाई का मान दिया है 3.14। तो प्रश्न में दिया है संघ की ऊंचाई, तो h का मान हो गया शंकु की ऊंचाई h बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर। इसके बाद शंकु का आयतन दिया है, शंकु का आयतन दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। निकालना है शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या हमें निकालनी है। तो सूत्र होता है शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का मान दिया है 1570। एच का मान दिया है 15 सेंटीमीटर, उसको हम रख देंगे। पाई का मान प्रश्न में दिया है, पाई बराबर दिया है 3.14। अगर पाई का मान प्रश्न में दिया है तो हम वही यूज करेंगे, अन्यथा 22/7 का यूज करेंगे। तो जो पाई का मान रख देंगे, एच का मान रख देंगे, इससे हमें आर का मान मालूम हो जाएगा। तो 1/3 गुणे पाई का मान है 3.14 गुणे आर स्क्वायर और गुणे एच का मान दिया है 15 बराबर 1570। ठीक, इसके बाद अब 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 1570 बटे 3.14 गुणे 5 हो गया। दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक, अब इसको हम ऊपर लगाते हैं, आर स्क्वायर बराबर 15 7 3 0 बटे 314 गुणे 5। 5 काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 3 15, 7 में देंगे तो एक बार जाएगा, 2 बचेगा, 20, 5 2 20 और 2 0। ठीक, 314 कट जाएगा पूरा, तो ये आ जाएगा 100। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 100, तो आर बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये हो गया, यही शंकु की त्रिज्या हो गई। ठीक, ये आपका आंसर हो गया, सुन जाए बेटा। अच्छा, ये तो आपका प्रश्न नंबर 3 हुआ, नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, दिया है यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो प्रश्न में दिया है 9 सेंटीमीटर ऊंचाई किसकी है, शंकु की। क्या लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई h बराबर दिया है 9 सेंटीमीटर।
इसके बाद शंकु का आयतन दिया है, शंकु का आयतन दिया है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। निकालना क्या है, शंकु का व्यास निकालना है। तो शंकु का व्यास बराबर क्वेश्चन मार्क, व्यास निकालने के लिए हमें त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। तो सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे, उसमें शंकु का आयतन दिया है 48 पाई और शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर दिया है 48 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, एच का मान दिया है 9, तो 1/3 आर स्क्वायर गुणे 9 बराबर 48, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 9, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 48/3, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 18, आर स्क्वायर बराबर आ गया 16, तो आर बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। हमें निकालना है शंकु का व्यास, तो शंकु का व्यास बराबर होता है 2 × 3 हो जाएगा 2 × 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ रहा है। अच्छा यहां दिखाई दे रहा होगा, तो आगे किए देते हैं। आर का मान आ गया है 4 सेंटीमीटर, हमें निकालना है शंकु का व्यास। तो सूत्र होता है शंकु का व्यास बराबर 2 × 3 बराबर 2 × आर का मान दिया है 4, तो बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। सुनिए बच्चों, ध्यान रहे प्रश्न में जो दिया रहता है उसे पहले नोट कर लेते हैं। जैसे इसी प्रश्न में दिया था 9 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो लिखेंगे h बराबर 9 सेंटीमीटर। फिर दिया है शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का मान दिया है 48 पाई, पाई से पाई काट देंगे, एच का मान रख देंगे और उसे हल करेंगे, तो त्रिज्या आर का मान आ जाएगा। हमें निकालना है शंकु का व्यास, तो सूत्र होता है शंकु का व्यास बराबर 2 × 3, तो 2 × 3 का मान जो आएगा उसी में 2 का गुणा कर देंगे, तो शंकु का व्यास मालूम हो जाएगा, ठीक। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। इसके बाद कल बताएंगे आपको, धन्यवाद।